हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रियंका गांधी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो लखनऊ की सड़कों पर रुका। इस बीच लखनऊ की सड़कों पर राहुल गांधी माइक लेकर भाषण देने लगे और जनता से जमकर चौकीदार चोर है के नारे लगवाने लगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रोड शो के लिए भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। राहुल ने कहा कि जब तक यूपी में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी चैन से नहीं सोएंगे। भाइयों बहनों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे मूड? अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, चौकीदार 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 चौकीदार। देखिए देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है। आज आप हिंदू अखबार पढ़िए, कल का हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें साफ लिखता है नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। तो चौकीदार, अब देखिए उत्तर प्रदेश अगर इस देश का कोई सेंटर है, कोई दिल है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप मानते हो? और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। और हम यहां पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं। और जब तक यहां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। हम यहां पे उत्तर प्रदेश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की सरकार लाएंगे। आप सबने इतना प्यार भरा स्वागत दिया, आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लखनऊ की जनता, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। चौकीदार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।